plus plus hello everyone plus listen as you know that we have discussed our chapter arithmetic progressions and now we are discussing arithmetic mean. अर्थमेटिक मीन क्या होता है मैंने बताया था आप लोग को कि कैसे होता है फाइंड आउट करना होता है तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस है ना तो क्वेश्चंस आपको जो होता है मैंने दिया था हैव यू डन हाँ हाउ मेनी कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है बताओ मेरे लाइक कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 में करवा रहा हूँ क्वेश्चन क्लास 15 क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.2 देखो इट इज सेइंग दैट क्लास इफ इफ ए एन है ना ए एन प्लस बी एन है ना बी एन होल अपॉन ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन है ना इज द एम बिटवीन है ना एम मतलब अर्थमेटिक है ना ठीक है ना ये सुबह वाले एम मत समझना है ना बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम और हमें वैल्यू किसकी है तो देखो मीन है क्लास किसके किसके ए एंड बी के तो हाउ वी कैन राइट हियर ए प्लस बी अपॉन टू मीन तो यही होता है कोई भी दो नंबर के बीच का अगर जो मीन है तो वी कैन राइट अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो थोड़ा सा देखो ये दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन है मैं ऐसा कर रहा हूं देखो ये ब्रेक कैसे होगा पावर का कंसेप्ट अच्छा होगा है ना तो देखो यहाँ ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन मैं पहले ये नीचे वाले को तोड़ रहा हूँ ए टू द पावर एन वी कैन राइट अपॉन ए लिख सकते हैं हाँ वेरी गुड और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं अच्छा पहले इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ फिर ये जो है ना अपॉन का झंझट खत्म हो जाएगा तो क्लास ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन वी कैन राइट इन टू टू इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा है ना और ए प्लस बी इन टू वी कैन राइट ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो क्लास वी कैन राइट हियर 2a टू द पावर n प्लस 2b टू द पावर n इक्वल टू a के साथ इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा a इनटू a टू द पावर n माइनस 1 है ना प्लस a इनटू b टू द पावर n माइनस 1 वी कैन राइट ना क्लास अब इसको देखो b को उठाऊंगा इसके साथ करूंगा तो b a टू द पावर n माइनस 1 प्लस बी इंटू बी एन माइनस वन अब मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है ऐड होता है तो इस पे एक पावर और ऐड हो गया तो ए टू द पावर क्या हो गया एन और इस पे पावर ऐड ना होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा सो प्लस वी विल राइट एज इट इज है ना माइनस वन और यहाँ पे जो है वी कैन राइट बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन और यहाँ b टू द पावर n वी कैन राइट अब देखो ये दोनों जो है ना वहां से को इधर लेके आ रहा हूं मैं 2a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इक्वल टू इधर बच गया a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1 ठीक है थोड़ा सा बस ध्यान देना कहीं गलत नहीं हो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n ये हमारे पास आ गया अब देखो ये जो b वाले है ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a
इंटू बी टू दी पावर बी टू दी पावर एन अपॉन बी और प्लस इसको लिखेंगे बी टू दी पावर बी अपॉन ए और ए टू दी पावर एन हम लोग ऐसे लिखेंगे लिख सकते हैं वेरी गुड है ना। और देखो ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन है ना इक्वल टू इसको लिखेंगे ए अपॉन बी बी टू दी पावर एन प्लस बी अपॉन ए टू दी पावर एन। देखो फिर से बी वाले ए एन वाले को एक तरफ रखता हूं और बी एन वाले को एक तरफ जो पावर है तो यहां पे जो है प्लस ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर ए है ना ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर ए अपॉन बी बी टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन। क्लियर है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो प्लस यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं ए टू दी पावर एन वन माइनस बी अपॉन ए और यहां भी होगा प्लस बी टू दी पावर एन ए अपॉन बी माइनस वन। तो प्लस है ना यहां देखिए ए टू दी पावर एन और ये क्या हो गया ए माइनस बी अपॉन ए ठीक है ना ए माइनस बी अपॉन ए और ये क्या हो गया इक्वल टू बी टू दी पावर एन है ना और ये हो गया ए माइनस बी अपॉन बी। क्लियर है देखो ये इधर मल्टीप्लाई में ये इधर डिवाइड में और इसको इधर लेके आता हूं ए टू दी पावर एन अपॉन बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी इंटू ए अपॉन ए माइनस बी ये और ये कट गया प्लस ए अपॉन बी टू दी पावर एन इक्वल टू ए अपॉन बी। अब कंपेयर कर देंगे बेस दोनों का सेम है पावर क्या होगा इक्वल होगा सो प्लस इट इज एन इक्वल टू वन है ना एन इक्वल टू वन प्लस होप सो यू हैव अंडरस्टैंड। तेरी कमेंट की ऐसी की तैसी था देखो यहां पे क्लास लिसन क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट इफ कहता बिटवीन 1 and 31 वन से लेकर करके डैश डैश ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 31 तक एम मेंबर हैव बीन इंसर्टेड इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। इस तरह से इसको जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बीच में रखा गया है कि ये सीक्वेंस कैसा हो रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज हो जा रहा है क्लास इन एपी द रेशियो ऑफ ए सेवन अपॉन ए एम माइनस एनथ टर्म है ना इक्वल टू 5/9 इन दोनों का जो रेशियो है ये क्लियर है। तो क्लास फर्स्ट थिंग्स वी नीड टू फाइंड द बी है ना हम लोग बी फाइंड आउट करेंगे सो लेट अस बी इक्वल टू क्या था बी जो ये 31th टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा क्लास एन प्लस 2th टर्म होगा ये जो 31 होगा वो कौन सा टर्म होगा एन प्लस 2th टर्म होगा। तो चलिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी और ए यहां क्या है 1 और एन कितना हो गया
एन प्लस टू माइनस वन इंटू बी, और ये कितना हो गया 31 प्लस 31 माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी, एंड दिस इज द डी इक्वल टू 30 अपॉन एन प्लस वन। अगर प्लस इसमें mth टर्म, ठीक है ना, mth टर्म, तो अच्छा एक बात बताओ A7 क्या होगा? A7 मीन इक्वल टू मीन है ना, तो मीन में जो होता है A7 इक्वल टू होता है A प्लस 70, है ना, और A कितना है 1 प्लस 7 इंटू, और D कितना है 30 अपॉन 30 अपॉन M प्लस 1। mth टर्म का जा रहा है ना, हमें रिलेशन किसमें देना है, mth टर्म, सॉरी 7 है ना यहाँ, m कितना है 7 तो हो गया m प्लस 1। अब यहां पे देखो सुनो, a 7 हो गया और a कितना है, सॉरी ये a m माइनस 1 है, a m माइनस 1 टर्म है, a प्लस 7 इंटू 30 अपॉन 7 को 7 की जगह यहां पर क्या हो जाएगा m माइनस 1 और m प्लस n टर्म, है ना, क्योंकि m टर्म काम में चाहिए ना, इसलिए ये m टर्म चाहिए क्लास। अब ये a की जगह क्या है क्लास 1, सो वी कैन राइट हियर 1 प्लस 30 इंटू एम माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का रेशियो लेना है, इसका कितना हो रहा है 9, इसको रब कर रहा हूं मैं इस साइड, देखो A7 हो गया 1 प्लस कितना हो गया 110 m प्लस वेन अपॉन 1 प्लस 30, इसको लिख ही देता हूं यार 30m माइनस 30 अपॉन एम प्लस एन एफ इक्वल टू कितना हो गया क्लास 5 अपॉन 9। इन दोनों के बीच में बिल्कुल अच्छे से आप डिफरेंस देख लेना, ये लाइन जो मोटी लाइन जो खींचोगे ये इन और इन लाइन से बड़ी होनी चाहिए, समझ में आया, ताकि दोनों में बायफर्केशन का हमें पता चले, क्लियर है। तो यहां पे हो गया क्लास एम प्लस एन एफ प्लस 210 अपॉन एम प्लस एन एफ अपॉन 30m माइनस 30, ये और ये दोनों करिए इक्वल टू कितना हो गया 5 अपॉन 9। तो क्लास व्हाट हैपेंस, m प्लस 211 अपॉन ये कितना हो गया 31m माइनस 29 इक्वल टू 5 अपॉन 9। आप लोग तो ऐसे बैठ रखे हो ना, बस केवल किसी तरह से दिखा दो, है ना, अगर होने के लिए आवाज नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम है बेटा, है ना, जो कैलकुलेशन है साथ के साथ अगर कहीं गड़बड़ होगा वैसे तो पकड़ में आता है कि आखिर आप कहाँ पे समझ नहीं रहे, है ना, तो थोड़ा सा जो है ना आवाज देते रहे ताकि हमें पता चले कि हम मुद्दा करने नहीं बैठे। क्लास लिसन 31 माइनस 21, अब ये हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं करने के बाद, देखो ये 9m प्लस 211 इक्वल टू 5 इंटू 31m माइनस 29, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक, yes।
अभी मत लिखो, ना लिखो, बस केवल समझो बेटा, पहले समझ लो, कैलकुलेशन तो सब कर लेते हैं, है ना। ये जो होता है 9m प्लस 1.98, ठीक है ना। और ये हो गया 155m माइनस 145। अब देखो ठीक लग रहा है, सॉल्व करते हैं। हाँ, अब यहां से जो होता है क्लास, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है, ये सत्यनारायण स्वामी का कथन है कि केवल पंडित बोलेगा, आप भी बोल सकते हैं साथ में। देखो यहाँ पे क्लास, ये क्या हो गया 145 इधर भेजेंगे और इसको इधर, तो क्लास व्हाट हैपेंड, 1899 प्लस 145 इक्वल टू 155m माइनस 9। क्लियर है। अब ये कितना एडिशन आता है सबको, कितना आ रहा है 2044 इक्वल टू, ये माइनस करने आता 146m और क्लास m इक्वल टू हो गया 2044 अपॉन 146 करके कितना आ गया, कितना 14। चलो तो ये आ गया m का वैल्यू 14। क्लियर है, समझ में आया सबको। अब आप लिख सकते हो क्लास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, जिसको हम लोग क्या करते हैं देखिए, है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने ऑलरेडी बता रखा है कि है क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, ठीक है ना। एक छोटा सा स्टोरी से मैं शुरू करूंगा, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। एक बार की बात है ना, एक चेस प्लेयर, ठीक है ना, और एक राजा किंगडम का, वो कहा कि मुझे हरा दोगे तो मुझे आप जितने जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा, है ना। राजा बड़ा राजा गवन, और ये नहीं पता था वो मैथमेटिशियन था, ठीक है ना। उसने कहा कि सर बस मुझे कुछ नहीं, ये जो चेस की क्या उसको कहते हैं, चेस जो है इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, चेसी है, तो चेस में दो तरह खाने होते हैं, हाँ शतरंज, जो चेस हैं उसमें कितने टोटल स्क्वायर होते हैं, काउंटिंग खराब है कि चेस तूने गड़बड़ वाला खरीद रखा है, 64 होते हैं टोटल जो होता है ना, वो 64 खाने होते हैं उसमें क्लास, ठीक है ना। तो कहा माय लॉर्ड बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इस खाने में जो है, है ना, इस खाने में देखो ये अभी और करना पड़ेगा, इस तरह से 64 होता है ना 64। तो सुनो, कहा कि इस खाने में मुझे एक जो होता है ना व्हीट ग्रेन्स चाहिए, 1 wheat grain, और इस स्क्वायर में आपने जितने व्हीट ग्रेन्स रखा ना उसका इसमें डबल चाहिए, ठीक है ना। और कहा कि आप जिस इस स्क्वायर में आपने जितने रखे इसका डबल इसमें चाहिए, है ना, और फिर इस खाने में जितना आपने रखा इसका डबल मतलब मुझे चाहिए। तो इस तरह से बोला राजा, बोला ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी चीज आपने मांग लिया कि इस खाने में एक ग्रेन्स, तो उसको लगा कि एक ग्रेन्स है तो फटाफट जो होता है तुरंत आदेश दिया, ठीक है। उसको भी लगा कि इतना आसान सा प्राइस हमें जो होता है इजी लगेगा, इजी है मतलब गेहूँ एक एक दाना इसमें, दो दाना इसमें, चार दाना इसमें, ऐसे ऐसे कर करके, तो देखो
इसमें जो होता है ना, इसमें एक रखा है ना, और इसमें फिर कितना रखा, 1 × 2, और फिर इसमें कितना रखा, 2 × 2 है ना, 2 × 2, फिर इसमें कितना रखा, 4 × 2। इस तरह से जब उसने करते गया है ना, यहाँ तक मतलब कि 10 थाने तक पहुंचा, तो 2 to the power 10 नंबर ऑफ ग्रेन्स, 2 to the power 10 नंबर ऑफ ग्रेन्स इतने हो गए है ना, 10 से खाने। और ये लगभग जो होता है ना, इतना ग्रेन्स लगभग आपका है 1.5 kg तो हो ही जाता है ना, 1 से 1.5 kg। जब यहाँ तक पहुंचा ना, इस पे कितने कितने दाने रखेंगे है ना, कितने दाने रखेंगे, 2 to the power 63 है ना, 2 to the power 63 ग्रेन्स। और उसने जब इस ग्रेन को फुलफिल किया तो इतने विड्थ थे कि उसके पूरे राज्य में 7 इंच मोटी है ना, 7 इंच मोटी जो होता है ना, वो गेहूं बीज सकती थी, इतने गेहूं थे, समझ गए। तो क्या चीज मांगा था और ये क्या चीज है क्लास, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास है ना। क्लास लिसन, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने बोला था कि ये शतरंज है ना, चेस की जो बोर्ड होते हैं है ना, उसमें टोटल 64 है ना, कितने 64 स्क्वायर होते हैं, कितने 64 है ना, 1, 2, 3, 4, 5। अब पूरे के पूरे तो हम बनाएंगे नहीं है ना, इतने में काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो 64 खाने थे, तो आप ये समझो कि यहाँ पे कितने थे, 1 ग्रेन्स, यहाँ पे कितने ग्रेन्स थे, 1 ग्रेन, लेकिन इसमें कितने ग्रेन्स थे, 1 × 2 है ना, 2 थे, यहाँ पे तो 2 था, लेकिन इसमें कितना हो गया, 2 × 2, ये कितने थे, 4, और फिर इसमें जो होते हैं कितने थे, 4 × 2, यानी कि 8। ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है ना, वो किसका बन रहा है, 2 4 है ना, 2 4 है ना, 8 16 ऐसा सीक्वेंस बन रहा है ना, अगर पहले खाना का हम लोग छोड़ दे तो ये जो आपका जो होता है फर्स्ट जो खाने हैं, इस पे कितने थे, 2 to the power 0 फर्स्ट ग्रेन, ऐसा लिख सकते हैं ना, इस पे कितना था, 2 to the power 0, 1 थे तो 2 to the power 0 का क्या मतलब हो गया, 1 होता है। तो क्लास ये हमारा एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है, कैसे, पहले लिख लो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता क्या है ना, फर्स्ट यू विल राइट द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, क्या हो रहा है कि ये आप जब सीरीज देख रहे हो यहाँ पे है ना, ये इस तरह की सीरीज कर रहा है, सीक्वेंस जो आप देख रहे हो, तो इसमें क्या देख रहे हो क्लास, ये आर यानी कि सेकेंड टर्म है ना, AN+1 upon AN यानी नेक्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो क्लास दैट इज द 4 upon वी कैन राइट 2, कितना आ रहा है, 2। इसका जो कॉमन जो रेशियो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, ये 2 को क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। तो ये जो कॉमन रेशियो है एवरी प्लेस पे, हर एक जगह पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना, जितना है ये जो रेशियो है वो हर एक जगह, देख यहाँ पे अगर आप चेक करते हो आर, तो कितना होगा, 16 upon 8 + 16 यानी कि 2, ये रेशियो हमेशा हर जगह क्या होगा,
इक्वल होगा चाहे कितना भी टर्म पे ये क्यों ना चला जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी टर्म पे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये रेशियो हमेशा सेम होगा। तो अब मैं इस चेस बोर्ड पे फिर से आता हूं और आपको, है ना, क्या करते हैं, है ना, तो वो ग्रेन्स अब कितने होंगे ये मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस बच गया होगा कि लास्ट में जो है ना हमने लिख के गया था 2 to the power 63, तो ये 2 to the power 63 कैसे हो गया, है ना, जबकि होते हैं 64 खाने, है ना। तो क्लास देखो, इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म, अगर पहला टर्म हमें निकालना होता है, ये हमारा हो गया a1 equal to क्या है 2, a2 अगर हमें निकालना होता है तो क्या करना होगा, सो बताओ, a into मैं क्या करूंगा 2, a into 2, तो ये कितना हो गया बेटा 4। अगर नेक्स्ट टर्म a3 निकालना होगा तब क्या करेंगे, a2 to the power 2, है ना, तब ये कितना हो जाएगा बताना, a और a3 है प्लस, ये कितना हो गया 2 into 2 to the power 3, ये कितना होगा 16 हो जाएगा, और फिर a4 है तो 2 पहला टर्म, और ये कितना हो रहा है जल्दी बोलो, 2 to the power 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 टर्म होगा और यहाँ पे 5 टर्म, तो 8 2 to the power कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 32, समझ गए। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम लोग टर्म निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 था, है ना, तो इसके साथ क्या था 0, 1 टर्म फर्स्ट टर्म के लिए 0, सेकेंड टर्म के लिए power 1, थर्ड टर्म के लिए power 2, फोर्थ टर्म के लिए power 3, फाइव टर्म के लिए power 4, तो बताओ an टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a into और ये कितना है r, है ना, n minus 1, ये हमारा होगा nth टर्म ऑफ द g, ये क्या होगा, हाँ, तो मैं आ रहा था यहाँ पे, तो आप बताओ यहाँ पे टोटल तो 64 है हम, है ना, ट्वाइस इसने मांगा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 से इसने शुरू करा था 1 से, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1, a इक्वल टू क्या हो गया 1, और ये जो है क्या कहते हैं r कितना हो गया 2, तो प्लस an यानी a64 इक्वल टू क्या हो जाएगा a r n minus 1, और a कितना है 1 ग्रेन से शुरू करा था ना इसने, एक दाने रखने शुरू करा था, है ना, एक दाने से, तो क्लास 1 ग्रेन से इसने स्टार्ट करा, एंड आफ्टर दैट n r कितना है 64 माइनस 1, सो इट विल बी, और ये रेशियो कितना है 2 और 2 to the power 62, इतना। अब बताओ 2 को 63 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितने केजी, कितने दाने होंगे, है ना, कैन यू इमेजिन, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि 2 to the power 60, अभी तो हमने 4 स्टेप तक पहुंचा था तो 32 आ रहा था, फिफ्थ स्टेप 32, है ना, अगर इस 2 को 63 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो कितने दाने होंगे, ये हाँ इतने जो, कितना 1024, क्या बात है, तुम 32 का जो होता है स्क्वायर कर रहा है ना बेटा, ढंग से और अच्छे से मैथ्स पढ़ाई कर, ठीक है ना, थोड़ा लिसन,
जितना जल्दी तुमने निकाला उतना जल्दी निकालने वाला नहीं, ठीक है ना क्लास। तो ये इतने गेहूं के दाने थे ना, इतने गेहूं के जो दाने उसने मांगे कि उसके जो होता है राज में, है ना, उसके जो एरिया आता था, है ना, उस पूरे किंगडम में एटलीस्ट 7 इंच मोटी परत बन जाती है। इतने जो होते हैं उसके किंगडम का 7 इंच, ठीक है ना, 7 इंच मोटी परत बिछ सकता था, इतने जो होता है गेहूं के दाने, है ना, सोच सकता है कि उसने क्या मांगा। तो ये क्या था, व्हाट इज दिस, उसने तो सोचा पहले जो होता है ना एक्सप्रेस का, अरे ये क्या है, ये कुछ नहीं, एक दाने दो दाने, है ना, जब लगाए तो जो एक्सप्रेशन था ना, लगा तो ये इजी चीज है, लेकिन लास्ट में जा करके क्या हो गया, है ना, उसके लिए भारी पड़ गया। तो बेटा किसी से भी कुछ भी अगर मांगा करो ना, तो उसको शुरू में लगे कि इजी हमने, है ना, हमसे छोटी सी चीज मांग लिया और देने में संकोच भी नहीं करेगा, ले लो, है ना, जब देते जाए तो ऐसा, है ना, ऐसे ही पहले के जमाने में लोग करते थे, वो जमींदार सब, है ना, एक बार कम वक्त किसी ने कर्जा ले लिया तो उसका, है ना, उसका बाप चुकाएगा, बेटा चुकाएगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका, कभी खत्म ही नहीं होता, है ना, जब आते थे तब तो बेईमानी चलता था, है ना, और बाकी कुछ नहीं, कि गुलाम रखे रहे। क्लास ये है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का एनएटम, है ना, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एनएटम में आप जो होता है कुछ कुछ बातें और भी पहले निकालने के लिए सीखते हैं। तो राइट डाउन क्वेश्चंस लिखो, फाइंड नाइन्थ टर्म एंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1/4, 1/2, 1-2-, इसका जनरल टर्म निकालना, फाइंड इट फास्ट। क्लास लिसन, राइट है ना, कुछ जो होता है एन एच टर्म के जो होता है निकालना हो, मेक योर रेडलाइन, एन एच टर्म फ्रॉम, एन एच टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनाइट जीपी, है ना, फाइनाइट जीपी का एन एच टर्म निकालना है आपको। देखो पहले इसका जो फर्स्ट बात है, देखो, इफ द एन एच टर्म्स फ्रॉम द एंड लास्ट से, है ना, एन एच टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनाइट जीपी, फाइनाइट जीपी कंसिस्टिंग ऑफ m term is AR m minus n, अगर किसी भी जीपी nth टर्म है ना, फ्रॉम द एंड लास्ट से, ठीक है ना, ऑफ द फाइनाइट जीपी कंसिस्टिंग m टर्म, और उसमें कितना है m टर्म है, उसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है m है, तो m टर्म इज जो होंगे, m टर्म्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, a टू द पावर r, जैसे कि कोई भी एक जीपी है और इसमें फाइनाइट जीपी है और ये इसमें नंबर ऑफ टर्म 8 है, 10 है, कुछ भी है ना, तो इसको जब हम लोग कहेंगे ना कि नंबर, इसका जो होता है एक टर्म क्या होगा, जो लास्ट टर्म टर्म है वो क्या होगा, तो क्या होगा, a इक्वल a r m माइनस n, ये होगा। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट इसी में, इफ
इफ द एनएथ टर्म्स फ्रॉम द एंड, अगर लास्ट से आपको कहा जाए निकालने के लिए एमएथ एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी विथ लास्ट टर्म एल, और लास्ट का जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, एल, कोई भी टर्म हो है ना, लास्ट टर्म एल एंड कॉमन रेशियो आर, अगर कॉमन रेशियो आर होगा तो टर्म क्या होगा, एल आर एन माइनस वन, एल आर आर वन अपॉन आर होगा, वन अपॉन आर एन माइनस वन लास्ट से अगर कह रहा हो तो, है ना, अगर आपको कह रहा हो लास्ट से टर्म निकालिए तो आप एल वन अपॉन आर रेशियो, फिर देखो रिवर्स में ऐसे नहीं हो जाएगा, ये जो होगा 8/16 है ना, 8 × 16 तो 1/2, तो इसका जो कॉमन रेशियो जो होता है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट 1/2, क्लियर है, ठीक है ना। तो अभी एनएक टर्म पे कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं, है ना, पहले उसके बाद में फिर जो होता है इसका सम देखेंगे, सम पे क्या है, लिखो which term of the GP 2, 1, 1/2, 2, 1, 1/4 dash dash is 1/28, कौन सा टर्म होगा जीपी का, डू इट जल्दी से।